ऊपर वाले तेरे से ये दुआ, ये वाला ब्लॉग देख और मैं तेरे लिए यही, मैं तेरे से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब पास कर दे प्लीज। एंड और पेपर कैसा हुआ बोल सकते हो? थोड़ा मस्त था, ज़्यादा नहीं। मतलब वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो और अभी बज रहे हैं ये 8:30। तो अभी मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया हूँ, क्योंकि पेपर मेरा लास्ट पेपर है आज। देखते ज़रा क्या होता है। और हाथों वगैरह अभी मैंने धो दिए हैं, तो अभी जाएंगे स्कूल। और लास्ट पेपर है मेरा, तो लास्ट तक पढ़ने रहना व्लॉग में। मिलता हूँ मैं आपको खाना वाना खा के, और डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में। और दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनसे भी मैं आपकी बातचीत कराऊँगा। देख सकते हो क्या ही मतलब धूपें छुपे लग गई है सामने। और अभी मैं उठा हूँ, कोई आधा एक घंटा हो गया, थोड़ा सा नज़र लगाई किताबों को, तो क्योंकि अभी रिवाइज ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैंने रिवाइज़ किया। और उसके बाद अभी मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो खाना वगैरह खा के मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट रास्ते में। और रिज़ल्ट भी मेरा आने वाला है कल या फिर परसों, तो देखना कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, तो देखना मैं पास हूँ या फेल हूँ। फिर जिसको भी थी कि मतलब जो भी मेरे रिलेटिव्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो भी है तो वो देख लो कि पास हूँ या फेल हूँ, देख लेना आप। मिलता हूँ आपको मैं डायरेक्ट रास्ते में। पहुँच चुका हूँ रास्ते में, और बहुत ही मतलब अभी टाइम लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में, तो 1-1.5 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा। और क्या मतलब, अब पेपर ही देना है, इसके बाद पास और फेल का पता लग जाएगा एक और पेपर के बाद, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मैथ का ही पेपर है मेरा। और अरुण कितना पढ़ा है? बहुत ज़्यादा, इतना पढ़ा है कि पास हो ही नहीं सकूँगा। नहीं हो सकेगा? नहीं, भरोसा रखा अपने ऊपर। हो जाऊंगा यार, फिर क्या, बस देख लो। जा बेचारा वो नहीं खेलता है, वो छोटे छोटे बच्चे है। कोई देगा उसको? बोला आपको क्या लग रहा है? क्यों नहीं देगा? दे देगा कोई निकाली झट।
ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਆ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੜਾ ਵਾ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਿਊ ਮਾਡਰਨ ਫੋਟ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਰ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਧੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2-3 ਵਜ ਗਏ ਔਰ ਪੇਪਰ ਕੈਸਾ ਹੋਆ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਮਸਤ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 2047 ਕਾ ਬੋਲ 2047 अभी नहीं जाना ओए ओ रुकना तो अभी बंदा एक आ रहा है और क्या सिस्टम है धूप बहुत ज्यादा है और देख सकते हो आगे अर्जुन सिंह ये देखो व्लॉगिंग कैसे करता है ओए व्लॉगिंग देख कैसे करता है अर्जुन सिंह देख सकते हो 10 मिनट बैठते चलो उधर बात करते हो क्या लगता है पास हो जाएंगे क्या बराबर पास सारों में हां मुझे भी लग रहा है गाइस सारों में पास हो जाऊंगा ये देखो केमिस्ट्री ये तुझे और फिजिक्स में भी तो केमिस्ट्री में भी तूने तो बोला था मैंने कुछ किया नहीं है थोड़ा बहुत कर दिया सका थोड़ा बहुत कितने क्वेश्चन कोई पासिंग मार्क्स यार क्वेश्चन पासिंग मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सारे सही थे तेरे नहीं तो फिर थोड़े क्वेश्चन क्वेश्चन तेरे को सारे आते थे नहीं कैसे क्वेश्चन पूरे आएंगे नहीं तूने एक क्वेश्चन भी सही ढंग से लिखा था नहीं तो हाँ अगर गलती से पास हो गया तो बस बैंड वाले बुलाने बैंड वाले बुलाने और बैंड बजवानी है और स्कूल के बाहर नाचना है क्या था ये तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब अगर पास हो गया तो क्या है से क्या हो सकता है जो लोग बोलते थे कि तुम फेल हो जाओगे तो उनके मुंह के ऊपर तमाशा पड़ेगा लेकिन अगर हम फेल हो गए ना तो हमारी वाट लगेगी ये बात याद रखना जो बोलते थे फेल हो गए उन्होंने और बेइज्जती करनी है बराबर बेइज्जती भी हम उनको कुछ बोल भी सकते हैं क्योंकि हम ऊपर वाले तेरे से ये दुआ ये वाला व्लॉग देख और मैं तेरे लिए यही मैं तेरे से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब पास कर दे प्लीज़ एंड ये मेहरबानी मैं कभी नहीं बोलूँगा और अपनी तरफ से तो फुल पेपर किया है मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जैसे कि लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना क्वेश्चन एक नहीं छोड़ा लेकिन फिर भी क्या पता बोर्ड वालों को अगर गुस्से वाला कोई बंदा हुआ तो वह बराबर या फिर तुमको पास है हाँ तो कसम से याद रखना तूने अभी इधर ऊपर बोला मैंने सबसे पहले तेरा रोल नंबर चेक करना है 49 है तेरा रोल नंबर 277 ठीक है तो सबसे पहले मैं इसका रोल नंबर चेक करूँगा और व्लॉग आपको क्या सबसे पहले मिल जाएगा जून लास्ट में मतलब जुलाई में मिलेगा थर्ड वीक लास्ट वीक तो देख लेना गाइस मतलब ऊपर वाले देख लेना चांस क्या कुछ भी नहीं है फिर लेकिन आज का भी ठीक हो गया पेपर इंग्लिश का हाँ आज का तो बहुत अच्छा गया समझ लो 80 में से आ जाएंगे 20-30 आ जाएंगे बहुत है 30 भी नहीं आएंगे इतने भी गाय गुजरे नहीं है 50 तक आ ही जाएंगे 50-40 तक क्योंकि फिर इंटरनल को मिला के 60 हो जाएंगे तो 80 में से 60 तो बहुत बड़ी बात होती है तो फिर परसों मैथ का है देखते हैं क्या होगा मैथ में क्या है मैथ में मतलब जी जान लगा देनी है तो जी जान तो हम ऐसे बोल रहे हैं लेकिन उधर लगती नहीं है फिर तब ऐसे आज मैं जाऊँगा घर 2-4 लेसन आज दूँगा और 10-15 कल देखूँगा 10 नहीं मतलब 10 आज देखूँगा 2-4 आज देख लूँगा तो उसी हिसाब से चलेगा सिस्टम और तू कितने लेसन करेगा लेकिन हमने अलग बैठाएंगे क्या पता कल क्वेश्चन तो कर ले कल 10 कर लो अब क्योंकि मतलब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हमें अब हमने ये नहीं देखना कि लेसन कम्प्लीट करेंगे ये करेंगे इधर चढ़ाए लेसन फार्मूले देख तू खाली हाँ फार्मूले और क्वेश्चन किस हिसाब से निकलना है एक क्वेश्चन किस हिसाब से निकलना है और बस फिर दूसरे क्वेश्चन तो हम खुद निकालेंगे क्या निकालेंगे तो अब अर्जुन कौन है तो गाइस रिले छिले थोड़े दिन बस इतने से बात ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी आ जाए ट्रिग्नोमेट्री तो मैं अभी कर लूँगा पहली एक्सरसाइज तो पानी की तरह दूसरी एक्सरसाइज के फार्मूले देखने अभी घर जाके वही सोच रहा हूँ कि आज पहले वही करूँ ट्रिग्नोमेट्री 6 नंबर का सॉल्व पेपर किसके पास है उवेश के पास सॉल्व पेपर को फिर से देख लेंगे अगर किसी ने बताया मैथ में थोड़ा पॉइंट पॉइंट चॉइस आते हैं ना थोड़े पेपर बता देंगे तो मैथ में तो पास होने की है क्योंकि पिछली बार जब मैंने 10th का मैथ पास कर दिया तो फिर 11th का तो है ना ऐसा भी नहीं कहना चाहिए लेकिन 11th का तो कर ही लेंगे पास 12th की मुश्किल है क्योंकि 2 किताबें हैं उसके अंदर तो अभी टॉपर को भी हाथ जा रही है 12th का मैथ पास करने के लिए तो समझ ही सकते हो चलो मिलते हैं आपको जब अर्जुन आएगा गाइस घर पहुँचने के बाद मैं सो गया था थोड़ी देर तो अभी जाके उठाऊँ
तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।